तमन्ना भाटिया की फिल्म बबली बाउंसर डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हो गई है। फिल्म को बनाया है मधुर भंडारकर ने, वो मधुर भंडारकर जो चांदनी बाग, हीरोइन और फैशन जैसे हार्ड हिटिंग ड्रामा बनाने के लिए जाने जाते हैं। बबली बाउंसर उस लीक से दूर खड़ी एक फिल्म है, एक लाइट हार्टेड ड्रामा। कामयाब कोशिश साबित होती है नहीं, अब उस पर बात करेंगे। फिल्म की कहानी शुरू होती है फतेहपुर बेगी के गाँव से। इस गाँव को असलियत में बाउंसर्स का गाँव कहा जाता है। फिल्म में यहाँ हर कोई पहलवानी या वर्जिश करता ही दिखता है। बबली भी फतेहपुर बेगी की रहने वाली है, एकदम ठेठ देसी लड़की। देसी लड़की से जुड़े सारे स्टीरियोटाइप्स एक बार याद कर लीजिए। भरपूर खाती है, डकारे मारती हैं, पढ़ाई से कोई वास्ता नहीं, अंग्रेजी में हाथ ज़रा तंग है। ये सारी बातें बबली में शामिल हैं। बबली किसी चीज़ को लेकर ज़्यादा सोचती नहीं है, मानती है कि एक दिन तो वैसे भी शादी हो जानी है, फिर क्या ही फर्क पड़ता है। लेकिन तभी अचानक एक दिन उनके गाँव में एक शहरी लड़का आता है। बबली को वो पहली नज़र में पसंद आ जाता है, इतना कि वो उसके पीछे दिल्ली तक आ जाती है और दिल्ली आकर एक नाइट क्लब में लेडी बाउंसर की नौकरी करने लगती है। आगे बबली की लाइफ में क्या घटता है ये फिल्म में कोई सवाल नहीं, क्योंकि फिल्म शुरू होने के थोड़ी देर बाद ही बहुत हद तक प्रेडिक्टेबल बन जाती है। मेन स्ट्रीम हिंदी सिनेमा में पिछले कुछ वक्त से जितनी भी सोशल मैसेज देने वाली फिल्में बन रही है ना, उनका एक फिक्स फार्मूला है। पहले हाफ में ह्यूमर डालने की कोशिश की जाएगी, फिर सेकेंड हाफ में मामला थोड़ा सीरियस होगा और मुद्दे की बात बताई जाएगी। बबली बाउंसर भी दुर्भाग्यवश उसी फॉर्मूले में फिट होना चाहती है। फिल्म के ट्रेलर, प्रमोशन आदि में एक बात पर काफी जोर दिया गया कि यहाँ तमन्ना के किरदार बबली एक फीमेल बाउंसर है। कायदे से फिल्म को इस बात के इर्द गिर्द सही दिशा में शोर मचाना चाहिए था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती। बाउंसर्स को मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री माना जाता है, यानी यहाँ काम करने वाले जो ज्यादातर लोग होंगे वो हट्टे कट्टे मर्द होंगे। ऐसे में एक लेडी बाउंसर की जरूरत क्यों पड़ी, बबली को नौकरी पर क्यों रखा गया, फिल्म इस वजह को बस छूकर निकल जाती है, इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती। टेस्टोस्टेरोन से भरी इंडस्ट्री में लड़कियां अपनी जगह कैसे बनाती हैं, ये अपने आप में एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। बस मसला ये है कि बबली बाउंसर इसको भुना नहीं पाती ठीक से। फिल्म अपना अधिकांश समय बबली की एक तरफा प्रेम कहानी को देना ज़्यादा ज़रूरी समझती है। फिर अचानक याद आता है कि मैसेज भी तो देना था, तुरंत बाउंसर वाले ट्रैक पर आने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। आप कोई भी फिल्म देखें, कहानी पढ़ें, उसमें कोई भी किरदार हो, उसका एक आर्क होता है। उसने अपना सफ़र कहीं से शुरू किया, फिर उसके साथ कुछ घटनाएं घटी जिन्होंने उसे प्रभावित किया, उसे बदला। वो रास्ते में आई चुनौतियों से पार पाता है और इस तरह अपना सफ़र पूरा करता है। बबली के केस में आपको उसका आर्क समझ नहीं आएगा, क्योंकि उसे ठीक तरह से परिभाषित नहीं किया, उसे डिफाइन ही नहीं किया गया। राइटिंग अपने आप में बहुत हद तक कन्फ्यूज दिखती है कि वो लव स्टोरी पर ध्यान दे या फिर मैसेजिंग पर। फिल्म के एंड में मुख्यमंत्री बबली को बहादुरी का अवार्ड देते हैं। फिल्म को इस नोट पर ही खत्म किया गया। ये ऐसी कोशिश लगती है कि मेकर्स लोगों को याद दिलाना चाह रहे हैं कि वास्तविकता में फिल्म थी किस बारे में। बबली बाउंसर की लिखाई से इतनी शिकायतें करने की एक प्रमुख वजह कि उसने फिल्म के एक्टर्स के पोटेंशियल को इस्तेमाल नहीं किया। बबली का किरदार तमन्ना के लिए सब्सटेंस वाला रोल था, ऐसा जहां एक्टर्स के पास कुछ करने का स्कोप हो। उनकी बहुत सारी फिल्मों की तरह यहाँ उन्हें सिर्फ ग्लैमर अपील बढ़ाने के लिए नहीं लिया गया। तमन्ना भी इस मौके को हाथ से जाने नहीं देती, ठेठ बिंदास किस्म की लड़की के रोल में फिट बैठती हैं। साथ ही यहाँ सपोर्टिंग कास्ट का काम भी हाईलाइट हुआ है, खास तौर पर सौरभ शुक्ला का। उन्होंने फिल्म में बबली के पिता का रोल निभाया, जो बेटी की कोई बात नहीं टाल सकता, उसके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रखता है अपने दिल में। सौरभ शुक्ला को हमेशा ऐसे किरदारों में देखना एक फन एक्सपीरियंस होता है। अगर बबली बाउंसर राइटिंग के लेवल पर दुरुस्त होती तो एक अच्छा ड्रामा साबित हो सकती थी। बस राइटिंग में क्लैरिटी होने की जरूरत थी ताकि एक्टर्स का काम और निखर कर आ पाता। आज के रिव्यू में इतना ही। मैं हूँ यमन और कैमरा के पीछे हमारे साथी जतिन, शुक्रिया।